गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम शिल्पा वर्मा, टीचर फ्रॉम विमलादेवी पब्लिक स्कूल. आई स्टडी क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट ईवीएस. इन अवर लास्ट क्लासेस वी डिस्कस चैप्टर 31, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट. डिजास्टर मीन्स आपदा, और आपदा के बाद जो आपदा आती है उसके बाद उसमें कैसे कैसे प्रबंधन, मीन्स मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन कैसे किया जाता है. ओके, इन अवर लास्ट क्लासेस वी डिस्कस फ्लड. व्हाट इज़ द फ्लड? Why does the flood is occur? How to control the flood? And if there is a flood, how can it help to checking its effect? Okay. Today we discuss earthquake. Earthquake means होता है भूकंप. Get information about the earthquake. We secured in. सॉरी विच एकर्ड इन भुज एरिया ऑफ द गुजरात फ्रॉम यूअर एल्डर्स टीचर्स एंड इंटरनेट आर इंटरनेट. आपको क्या करना है? अर्थक्वैक मीन्स भूकंप. भूकंप होता क्या है? और जो भारत की गुजरात में जो भूकंप आया था, अगर आप उसके बारे में कुछ भी आपको नॉलेज है तो आप, अगर नॉलेज नहीं भी है तो आप अपने बड़ों से, अपने टीचर से या इंटरनेट पर जाकर पता करिए कि ये जो भूकंप आया था गुजरात में उसमें कौन कौन से त्रासदी जो हुआ था, कितने नुकसान हुए थे. दिस अर्थक्वैक ऑन द 26 जनवरी 2001 मेड 1000 होमलेस एट वंस इंस्टेंस. देयर वॉज अ मच लॉस ऑफ लाइफ. जो गुजरात में जो भूकंप आया था वो 26 जनवरी 2001 में आया था. ये भूकंप इतना भयानक था कि इससे हजारों लोग जो हैं बेघर हो गए थे. जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था. व्हाई डज अर्थक्वेक हैपन्स? ये जो भूकंप है वो आते क्यों हैं? भूकंप, जैसे कि नेम से ही क्लियर है, अर्थक्वेक भूकंप मीन्स जो भू है, जमीन है, उसमें कंपन होना. ठीक है, उसमें क्या होना? कंपन होना, या हम कह सकते हैं जैसे कंपन, जैसे जिसको कहा जाता है ट्रिमोर्स. ट्रिमोर्स मीन्स कंपन, हिलना. भूकंप जो धरती है, जिस धरती पर रह रही है वो सडनली अगर हिलने लगे तो क्या होता है? तो व्हाई डज अर्थक्वैक हैपन्स? तो भूकंप जो है आती क्यों है? अर्थक्वैक हैपन्स ड्यू टू द हीट डीप इनसाइड द अर्थ. भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? कि पृथ्वी के अंदर गर्मी का अधिक होना. द कोर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 30 किलोमीटर डीप. पृथ्वी का जो भूतल है लगभग 30 किलोमीटर गहरा है. देयर आर मैनी लेयर्स इन इट विच आर मेड ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स. इसमें पृथ्वी में अनेक परतें हैं जो कई कठोर और चट्टान जो कठोर और मुलायम जो चट्टानें हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती हैं. व्हेन द हीट इंक्रीज इन द अर्थ क्रस्ट. जब पृथ्वी के तल में जो जमीन के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वीकर लेयर्स एंड द नेबरिंग रॉक शिफ्ट देयर प्लेस ड्यू टू विच सरफेस ऑफ द अर्थ हैव सैक आर रिमोर्स. क्या होता है भूकंप? कैसा आता है, कैसे आता है? जब धरती के अंदर जो सबसे वीक लेयर है होता है, जो होता है क्रस्ट, धरती का सबसे कमज़ोर जो लेयर होता है, क्रस्ट होता है, तो वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. तब उसके आसपास के जो रॉक्स हैं, आसपास में जो कमज़ोर परत के आसपास की जो चट्टानें हैं, वो अपनी जगह से हिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी में कंपन होने लगता है ना. सपोज़ जैसे आपने कोई चीज़ अरेंज किया है, अगर आप नीचे का चीज़ हटा देते हैं या उसको हिला देते हैं तो ऊपर वाली चीज़ें भी गिरने लगती हैं कि नहीं गिरने लगती? ऊपर की सारी चीज़ें हिलने लगती हैं. तो वैसे ही जब वीक अर्थ का सबसे वीक लेयर क्रस्ट जो है बहुत अधिक गर्म हो जाने के कारण उसकी चट्टानें जब हिलने लगती है, तब क्या होता है? पृथ्वी भी कंपन करने लगता है, और इसे अर्थ हैव सेकन आर ट्रिमोर्स. तो इससे क्या होता है? भूकंप के हमें झटके या कंपन लगने लगते हैं, भूकंप आने लगता है. इससे क्या होगा? अगर किसी चीज़ को जगह से हटा दो तो ऊपर की चीज़ें भी हिलने लगती है. तो इससे क्या होता है? जो अर्थ का जो सबसे नीचे वाला जो तल है वो क्या होता है, वहाँ से चट्टानें हट जाती है, जिसके कारण धरती में क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है. दिस ट्रिमोर्स कैन बी माइल्ड और वायलेंट. ये जो कंपन होती है वो धीमी गति से भी हो सकती है और कभी कभी तेज गति से भी हो सकती है. वी कैन फील द वायलेंट वंस.
बट माइल्ड वंस कांट बी फेल्ट बाई एनीवन। जब ये जो झटके आते हैं है ना, जो चट्टानों का हटने, अपनी जगह से हटने का जो हटने का जो प्रोसेस है, ये हल्का भी हो सकता है और बहुत तेज भी हो सकता है। जब ये बहुत तेज़ी से होता है, जब कोई बहुत बड़ा चट्टान अपनी जगह से हिलता है, तो वो भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं। बट अगर कोई छोटा जो स्टोन है अपने प्लेस से हटता है, तो ये हमें पता, हमें इतना कम भी होता है, इनके झटके इतने कम होते हैं कि हमें आभास ही नहीं होता। डू यू नो दैट वी कैन मेजर द मैग्नीट्यूड आर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वैक। आपको पता है कि अर्थक्वैक जो आते हैं उसके मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी, तीव्रता को भी मापा जा सकता है। यू कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वैक ऑन अ सिस्मोग्राफ। तो जो भूकंप जो है पृथ्वी पे आने वाला है, उसकी तीव्रता को नापने के लिए जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। और भूकंप के झटकों की, कि भूकंप के झटके जो माइल्ड है या वायलेंट है, कि भूकंप के झटके कम होंगे कि तेज होंगे, इन सबको जानने के लिए भी एक रिचर स्केल, जिसे रेक्टर स्केल भी कहा जाता है, इसके द्वारा मापा जा सकता है। द ट्रिमोर्स ऑफ द अर्थक्वेक आर क्वाइट ब्रीफ, बट देयर इफेक्ट आर डिस्ट्रक्टिव एंड इंजीरियस टू लाइफ। भूकंप के कंपन से, भूकंप के झटके बहुत कम समय के लिए रहते हैं। अगर थोड़े ज़्यादा समय के लिए रहे भूकंप के झटके, तो क्या होगा? ये जो पूरी धरती है ना, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, इतने टावर्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, सबके सब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो भूकंप के झटके होते भले कुछ समय के लिए रहते हैं, बट इससे क्या होता है, इसका प्रभाव बहुत ही हानिकारक और जानलेवा होता है। थोड़ी समय के लिए भी कोई चीज़ अपनी जगह से हिल जाए, तो ऊपर की सारी चीज़ें हिल जाती हैं कि नहीं। By the tremors of the earthquake, the building starts shaking. Sometimes this happens too suddenly that pupil does not get to time to come out of the building and pupil get crushed under the debris. क्या होता है, भूकंप के जो झटके हैं, भूमि का जो कंपन है, वो किसी को बता के तो भूकंप आता नहीं है, है ना, हमें पता नहीं चलता कि भूकंप आने वाला है करके। तो इससे क्या होता है, अर्थक्वेक जब भूकंप होता है, तो जो बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो भी क्या, अब धरती हिल रही, जिसके बेस अगर हिल रहा है, तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग बना है वो भी सब हिलने ही लगेगा। तो भूकंप आने पर क्या होता है, बिल्डिंग जो है हिलने लग जाती है। और ये अचानक इतना सडन होता है, अचानक से होता है कि लोगों को अपने मकानों से, अपने बिल्डिंग से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। और जो लोग रहते हैं, मौका नहीं मिल पाता है। एंड पीपल गेट क्रश्ड अंडर द डेब्रिस। और पीपल क्या होते हैं, ये भूकंप में जब ये बिल्डिंग हिल जाते हैं, बिल्डिंग हिल कर गिर जाते हैं, तो उसके मलबे में ही लोग दबकर मर भी जाते हैं। इवन बिग ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स आर डैमेज ड्यू टू द अर्थक्वेक। इस भूकंप के कारण जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक के पोल होते हैं, वो भी सब क्या हो जाते हैं, गिर कर टूटने लग जाते हैं। समटाइम्स देयर इज़ अ फायर ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। कई बार तो जो बिजली के तार को टूटने, बिजली के पोल टूट कर गिर रहे हैं, तो बिजली के तार भी टूट के गिरने के कारण आग भी लग जाती है। हियर सम पिक्चर ऑफ अर्थक्वेक। जो यहाँ पे भूकंप के बाद जो चीज़ें होती हैं, उनके पिक्चर दिए गए हैं। अगर थोड़ी सी भी धरती हिल जाती है, तो देखिए बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, वो जो ऊपर के माले हैं, कैसे धड़ाधड़ गिर जाते हैं। और इनमें जो लोग रहते हैं उस समय भूकंप के टाइम पे, वो भी इन मलबों में दबकर मर जाते हैं। इन द प्लेस वेयर अर्थक्वेक यूजफुली हैपन्स द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड। वाई, जिन जगहों पर अक्सर भूकंप आते हैं, मीन्स भूकंप वाले, ज़्यादा भूकंप वाले क्षेत्र पे जो मकान है, लकड़ी के बनाए जाते हैं। क्यों? इफ वी बिल्ड अ होम विद द लाइट वेटेड वुड, द फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक विल बी लोअर्ड। अगर जब हम जो अपने घर को हल्की लकड़ियों के से बनाते हैं, है ना, अगर हमारा घर हल्की लकड़ियों से बनाया गया है, तो जो फोर्स है अर्थक्वेक के द्वारा, भूकंप के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ हाउस नॉट ब्रेक इजली। और ये जो घर बनाए जाते हैं लकड़ी के, वो आसानी से टूटते भी नहीं है। यही कारण है कि जो अर्थक्वेक वाले जगह है, जहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है, उस जगह के घर को लकड़ी से बनाया जाता है।
वी डू इफ अर्थक्वेक हैपन्स, अगर कभी भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए? वी मस्ट मूव टू एन ओपन एरिया, हमें किसी खुली जगह पे चले जाना चाहिए। वी मस्ट सीट अंडर द टेबल एक्सेट्रा, अगर कोई टेबल है, मेज है, कोई वस्तु है तो हमें उसके नीचे बैठ जाना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्टैंड अंडर द ट्री और नियर अन इलेक्ट्रिक पोल, हमें कभी भी किसी बिजली के खंभे या किसी पेड़ के पास नहीं खड़े होना चाहिए, है ना। सपोज़ आपको लग रहा है कि कभी भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया है तो ये तो पता नहीं चल रहेगा कि आपको भूकंप कब आने वाला है, बट अगर वो आ गया, आपको लग रहा है कि धरती हिल रही, तो आपको क्या क्या करना चाहिए? मस्ट मूव ऑन द ओपन एरिया, सबसे पहले तो किसी खुले जगह पे चले जाने चाहिए। सीट अंडर द टेबल, और किसी टेबल के नीचे या कोई भी चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, उसके नीचे आपको घुस के बैठ जाना चाहिए। और कभी भी किसी ट्री, पेड़ है या इलेक्ट्रिक पोल है उसके आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए। थिंक्स एंड डिस्कस विथ इच अदर, सोचिए और सोचकर आपस में चर्चा करके बताइए। हैवी रेन कैन केस फ्लड, बहुत ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ जाती है। व्हाट विल वी हैपन इफ स्केयरसिटी ऑफ रेन्स, क्या होगा उस जगह पे, क्या होता होगा जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है? तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम डिस्कस करेंगे जो सूखा पड़ता है ना। अब तक हमने देखा बाढ़ देखा, फ्लड देखा, अर्थक्वेक देखा, कल हम डिस्कस करेंगे सूखा, ड्राफ्ट जिसे कहा जाता है, ड्राफ्ट या सूखा जो पड़ना, अकाल जो होना, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है तो वहाँ अकाल पड़ता है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।